हेलमेट दे रही थे? नहीं नहीं, मास्क नाक में लगाए के, कुछ नहीं, हाथ में ग्लव्स, जूता, कुछ नहीं दिया पल्ला। मांग कर रहे हो? मांग कर रहे हैं, लेकिन पल्ला कुछ नहीं दिया। इनको गमबूट, गमबूट वर्दी और दस्ताना, मास्क, ये सुविधा हम उपलब्ध कराते हैं समय समय पर, और इन कर्मचारियों को हम प्लेसमेंट एजेंसी से लेते हैं। उनको सफाई जो सामान है पूरा निकाल कर दिया जाता है। क्या क्या सफाई का सामान है? जैसे इराफा है, लमेला है, झाड़ू है। तो जब वो सुविधा नहीं रहा तो किस का दिक्कत होती है साफ सफाई करे के लिए? कैसे जरूरत पड़ती तो इतने नाली में खुसर जाते, जरूरत पड़ती तो हाथ में निकालते हैं नाली ले, पहले निकालते हैं अभी ये फिर ले दे हैं हाथ में लगाए के टेलर उपयोग करते हैं। जो नाली साफ करते हैं सफाई कर्मचारी, मतलब के ओकर मन के लिए क्या सीधा आप मतलब पता है? नहीं, आप मतलब नहीं बताए गए कभी नहीं बताई से कि काका मिलते तुम्हारा ऐसे करके? वेतन बस मिलते अपन। अब वेतन कैसे मिलते, कब कब मिलते, हर महीना मिलते, कंटिन्यू मिलते कि कैसे मिलते? मिले बार हर महीना मिलते, लेकिन देरी से मिलते। इनका बराबर पीएफ जमा होता है, ईएसआईसी जमा होता है, समय पे ना चालान जमा होता है, चालान कॉपी ऑफिस सबमिट होती है। आप मन के पेमेंट कितना रही से फिर? पेमेंट के माने 9000 के बोलते बस 6000 रुपए मिलते हैं। अच्छा, पी एफ वगैरह कट्ठे का आप मन के? नहीं नहीं, कोई पी एफ कोई पैसा नहीं मिल रहा, रकम मिली अभी तक कोई रकम नहीं मिली। अच्छा, पी एफ वगैरह कट्ठे आप मन के? हाँ। तो पी एफ कब निकाल सकते हो आप मन? हाँ, कोई अभी पता नहीं। तो जैसे ठेकेदारी बदलते जाती है तो उनका जो पीएफ जो कट्टा है उनकी सुविधा फिर कैसे उपलब्ध हो पाएगी उनको? वो ठेकेदार का रिस्पांसिबिलिटी बनता है कि जो पुराने जो वर्कर हैं और ठेका चेंज हो गया तो कर्मचारी वही रहते हैं, तो उनका जो यूएन नंबर है और ईएसआईसी नंबर है, नंबर है जिसको आईपी नंबर बोला जाता है, उसको ट्रांसफर कराएगा ठेकेदार जो है। है जैसे इनका स्वास्थ्य खराब हो गया तो उनके लिए क्या सुविधा है? जो थोड़ी बहुत इनकी समस्या को खुद करेंगे, बेसिकली मान लो इनको मेजर प्रॉब्लम थी कि उनको कुछ आ जाता है इनको, तो इनका जो ईएसआईसी कटता है तो उसके तहत इनका अगर 2 साल तक कंट्रीब्यूशन कंटिन्यू जमा होगा तो ईएसआईसी डिपार्टमेंट से इनका फ्री चेकअप और फ्री ट्रीटमेंट होगा इनका। बट वो 2 साल यदि अपनी सर्विस देंगे तब, पहले इसका नियम था 6 महीने पे, लेकिन उसका तक चेंज हो गया, वो 2 साल हो गया। वो एकदम गाय गरु कुत्ता मर जाते, बदबू देते, अभी चल देते हैं तो थोड़ा बहुत ले लेते हैं। बिना पिए वो काम नहीं? हाँ, बदबू देते रहते ना थोड़ा बहुत, अब नहीं चढ़ा है पैसा कौड़ी तो झकमारी उठाना पड़ता है। कभी प्रयास करे दूसरा काम करे के मांगे के? यहाँ तो हम कामेज कर रहे थे ना, तो कहाँ ले समझबो। जितने भी दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे मैं गुजारिश करती हूँ, गरियाबंद नगर पालिका के अंतर्गत प्लेसमेंट सफाई कर्मचारियों को सुरक्षा उपकरण खराब होने के बाद तुरंत सुरक्षा उपकरण दिया जाए, स्वास्थ्य सुविधा की राशि दिया जाए, तीसरा भर्ती के वक्त नियुक्ति पत्र दिया जाए, चौथा इनको परमानेंट किया जाए, पांचवा काम से निकालने के वक्त इन्हें कारण बताया जाए। इन सब मांगों को लेकर गरियाबंद नगर पालिका के अधिकारी सम्मानी बी आर चौहान जी को उनके मोबाइल नंबर जो है 777-181-9272 इस नंबर पर फोन कर दबाव डालें। मैं रीना रामटेके, ग्राम गरियाबंद, जिला गरियाबंद, छत्तीसगढ़, इंडिया अनहर्ट के लिए।